अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिंदी सुलभ भारती व्याकरण और लेखन बुक में से पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट ओपन योर व्याकरण की टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 5। वर्णमाला। वर्णमाला आप सभी को पता है किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 40। तो इन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। उसके बाद आप लोगों को इसी में संयुक्त व्यंजन दिया गया है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण दिया गया है, क और श, श, त और र, त्र, ज और र, य, श और र, श। तो इस तरीके से इन चारों अक्षरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चारों जो वर्ण है इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला के 3 भाग कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसके बाद उसके नीचे आप लोगों को दिया गया है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जब आप कोई शब्द पर एक बिंदी लगा ऊपर एक बिंदी लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं, जिसकी आवाज़ हमारे नाक से निकलती है। जैसे बसंती, पंख, रंग, तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। उसके बाद दिया गया है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, इसकी भी आवाज़ हमारे नाक से या मुंह से निकलती है। इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं, ठीक है? इसे भी अक्षरों के ऊपर ही लगाया जाता है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग की निशानी क्या होती है? दो बिंदियाँ, अक्षरों के आगे ऊपर नीचे लगी हुई दो बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर पर्याय, अत, ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी दो वर्ण, दो अलग अलग वर्ण पर एक जो वर्ण है वो आधा होता है और एक जो है वो पूर्ण होता है, उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे यहाँ पर च आधा है और छ पूरा है। यहाँ पर दो, एक त आधा, एक त पूरा, एक प आधा और त पूरा। तो संयुक्त अक्षर में क्या होता है? दो वर्ण होते हैं पर पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। इसके बाद है नुक्ता। नुक्ता कब इस्तेमाल होता है? कोई भी शब्द के नीचे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों को, फिक्र, जिद, फैसला, ये शब्दों के नीचे नुक्ता दिया गया है, अक्षर के नीचे नुक्ता दिया गया है, इसे कहते हैं नुक्ता। फिर उसके बाद आ, अक्षर के ऊपर इस तरीके का निशान जब लगाते हैं हम, तो उसे ये कौन सा निशान हो गया? आ का चिन्ह हो गया। और ये चिन्ह ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, फुटबॉल, तो इस चंद्र का उपयोग हम ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को सभी को समझ में आया? या आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, इंशाल्लाह जूम क्लास में हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद पेज नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। इसमें से आप लोगों को स्वर और व्यंजन, यहाँ पर आप लोगों को दो कॉलम दिए गए हैं, एक स्वर का है और एक व्यंजन का है। तो आप लोगों को स्वर और व्यंजन अलग अलग करके
इस कॉलम में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद कोष्टक में दिए गए व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन चुनकर लिखिए। इनमें से जो भी संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर आपको उसे चुनकर लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में सही जगह अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगाकर शब्द को फिर से लिखिए। तो आप लोगों को अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग लगाकर शब्द को यहाँ पर लिखना है। जैसे बूंद, बूंद में क्या आएंगी? चंद्रबिंदु। पंख, पंख में क्या आएंगे? अनुस्वार। प्रातःकाल, प्रातःकाल में क्या आएगा? विसर्ग। वैसे यहाँ पर आप लोगों को शब्दों के ऊपर सही चिन्ह लगाकर उसे यहाँ पर फिर से लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे आपको सही करके लिखना है। जैसे लड़का, लड़का इसके नीचे क्या आएगा? ड के नीचे एक बिंदी आएंगी। चढ़ी, चढ़ी ड के नीचे भी एक बिंदी आएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ गलतियाँ दी गई हैं, वो आप लोगों को सही करके यहाँ पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयुक्त अक्षर सहित पूरा शब्द लिखो। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, आप लोगों को इसको एक साथ मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है पुस्तक, ये स और त ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त अक्षर हो जाएंगे। तो ये क्या बना, कौन सा शब्द बना इससे? पुस्तक। वैसे आप लोगों को इससे शब्द बनाकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 7, निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। यहाँ पर आप लोगों को ये शब्द पढ़ना है और शुद्ध हैंडराइटिंग में, अच्छी हैंडराइटिंग में यहाँ पर उसको अच्छे से सही से देखकर कॉपी करना है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।